नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आपसे लोगों एनसीईआरटी बुक क्लास 10 कृषि विज्ञान चैप्टर 1 मृदा विज्ञान बहुविकल्पीय प्रश्न मैं आप लोगों को उस वीडियो में बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1, ऋण अवरोधी फसल है। ऋण अवरोधी फसल है, ऑप्शन नंबर 1 धान, ऑप्शन नंबर 2 गेहूं, ऑप्शन नंबर 3 मूंग, ऑप्शन नंबर 4 जौ। इसका सही आंसर है 3 मूंग। क्वेश्चन नंबर 2, ऋण अवरोधी फसल है। अवरोधी फसल है, ऑप्शन नंबर 1 मक्का, ऑप्शन नंबर 2 बाजरा, ऑप्शन नंबर 3 उड़द, ऑप्शन नंबर 4 कपास। इसका सही आंसर है नंबर 3 उड़द। क्वेश्चन नंबर 3, उदासीन भूमि का पीएच मान होता है। उदासीन भूमि का पीएच मान होता है, ऑप्शन नंबर 1 7.00 से कम, ऑप्शन नंबर 2 7.00 से अधिक, ऑप्शन नंबर 3 7.00 केवल, ऑप्शन नंबर 4 8.5 से अधिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 7.00 केवल। क्वेश्चन नंबर 4, अम्लीय मृदा का पीएच मान होता है। अम्लीय मृदा का पीएच मान होता है, ऑप्शन नंबर 1 7.5 से अधिक, ऑप्शन नंबर 2 7.5 से कम, ऑप्शन नंबर 3 7.5, ऑप्शन नंबर 4 14। इसका सही आंसर है 7.5 से कम। क्वेश्चन नंबर 5, मृदा नमी माप की इकाई है। मृदा नमी माप की इकाई है, ऑप्शन नंबर 2
सेंटीग्रेड सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर तीन, क्यूसेक सेमी, ऑप्शन नंबर चार, पी एफ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर चार, पी एफ। क्वेश्चन नंबर छह, जिप्सम का प्रयोग होता है, जिप्सम का प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर एक, अम्लीय मृदा में, क्षारीय मृदा में, ऑप्शन नंबर एक, अम्लीय मृदा में, ऑप्शन नंबर दो, क्षारीय मृदा में, ऑप्शन नंबर तीन, लवणीय मृदा में, ऑप्शन नंबर चार, चिकनी मृदा में, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दो, क्षारीय मृदा में। क्वेश्चन नंबर सात, क्षारीय भूमि सुधार के लिए उपयोगी है, क्षारीय भूमि सुधार के लिए उपयोगी है, ऑप्शन नंबर एक, पोटेशियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर दो, चूना, ऑप्शन नंबर तीन, जिप्सम, ऑप्शन नंबर चार, बोरान। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीन, जिप्सम। क्वेश्चन नंबर आठ, सात से कम पीएच मान वाली मृदा कहलाती है, सात से कम पीएच मान वाली मृदा कहलाती है, ऑप्शन नंबर एक, क्षारीय मृदा, ऑप्शन नंबर दो, उदासीन मृदा, ऑप्शन नंबर तीन, अम्लीय मृदा, ऑप्शन नंबर चार, चिकनी मृदा। इसका सही आंसर है
ऑप्शन नंबर 3 अम्लीय मृदा। क्वेश्चन नंबर 9, 7 से अधिक पीएच मान वाली मृदा कहलाती है। 7 से अधिक पीएच मान वाली मृदा कहलाती है। पीएच मान वाली मृदा कहलाती है। ऑप्शन नंबर 1 अम्लीय मृदा, अम्लीय मृदा। ऑप्शन नंबर 2 क्षारीय मृदा। ऑप्शन नंबर 3 उदासीन मृदा। ऑप्शन नंबर 4 दोमट मृदा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 क्षारीय मृदा। क्वेश्चन नंबर 10, भूमि का पीएच मान 8.00 से अधिक होने पर यह कहीं जाती है। भूमि का पीएच मान 8.00 से अधिक होने पर यह कहीं जाती है। यह कहीं जाती है। ऑप्शन नंबर 1 अम्लीय भूमि, ऑप्शन नंबर 2 क्षारीय भूमि, ऑप्शन नंबर 3 उदासीन भूमि, ऑप्शन नंबर 4 दोमट भूमि। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 दोमट भूमि। क्वेश्चन नंबर 11, भूमि में पाइराइट के प्रयोग की क्या उपयोगिता है। भूमि में पाइराइट की क्या उपयोगिता है। ऑप्शन नंबर 1 अम्लीय भूमि का सुधार, अम्लीय भूमि का सुधार। ऑप्शन नंबर 2 भू क्षरण नियंत्रण, क्षरण नियंत्रण। ऑप्शन नंबर 3 पोटास की पूर्ति। ऑप्शन नंबर 4 ऊसर भूमि सुधार। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 ऊसर भूमि सुधार।
क्वेश्चन नंबर 12। जो पदार्थ की अधिक मात्रा से भूमि का रंग हो जाता है, जो पदार्थ की अधिक मात्रा से भूमि का रंग हो जाता है, भूमि का रंग हो जाता है, ऑप्शन नंबर 1 हरा, ऑप्शन नंबर 2 सफेद, ऑप्शन नंबर 3 काला, ऑप्शन नंबर 4 लाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 काला। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से अम्लीय भूमि सुधार हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से अम्लीय भूमि सुधार हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 चूना, ऑप्शन नंबर 2 जिप्सम, ऑप्शन नंबर 3 यूरिया, ऑप्शन नंबर 4 पाइराइट, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 चूना। क्वेश्चन नंबर 14। मृदा में पाइराइट के प्रयोग का क्या उद्देश्य है? मृदा में पाइराइट का के प्रयोग का क्या उद्देश्य है? प्रयोग का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन नंबर 1 अम्लीय मृदा का सुधार, अम्लीय मृदा का सुधार, ऑप्शन नंबर 2 क्षारीय मृदा का सुधार, ऑप्शन नंबर 3 भू क्षरण का नियंत्रण, क्षरण का नियंत्रण, ऑप्शन नंबर 4 भूमि की नमी का संरक्षण, भूमि की नमी का संरक्षण, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 क्षारीय मृदा का सुधार। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।